शूट करते करते बेबी को इतनी नींद आ गई कि देखो अपने स्टफ टॉयज के ऊपर ही हंसते हंसते सो गई। लाम सगान यूट्यूब चैनल ल खा खाई काम कर तब खेना बरक न आनो आनी ब्लग कमेंट खाओ लाइक बर्थडे नि गिफ्ट अनबॉक्सिंग खाई मानी भिडियो तो बुरी तो बुरी तो बुरी नुखा गए एक्चुअली आं भिडियो खाने हिन्नी वन सक जाए जो अनबॉक्सिंग खाई बे क्या भिडियो नारक जा बट तम खाई नारे आम से रिक्वेस्ट मानका आं अनबॉक्सिंग खाई जा फनो तम तम मान मानका आम तो फोन मान बिलेना आमन आं दिन भिडियो फोन बट तबुक आं किसा फादर मा नखर करना मार्केटिंग खाई मैकथ पाई थोस किसा मखाउ किस फुलाई हाइबा बिकस मखानो इसपन्थ मखानो किस चिंग केयर खाई नागो सो आं फुलना तबुक हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम बेलेकनो कहाम अब आं फुलमा फुमाई को नाइदि आंसर पाई खा ते अब सनाम जाका 100% टर्मरिक एक्सट्रैक्ट 10% ग्लाइकोलिक एसिड ते 2% नाइसिनामाइड अब जिनी डार्क सर्कल न कम रे व हिमालय स्वरासा टर्मरिक बाय ते जिन स्किन न नेचुरली इवन टोन सनामो ए अम बेलेकन आनी फेवरेट आं गुबुइन अमनन फुली तो ताबो हंके बेलेकनो कहाम जस्ट अमनो सालोवानी फुली 2-3 drops मखांगो नावै फुलदि बेलायखनो लाइट वेट ते कैसा हिंग और जगह सुजाक बताओ 7 days एवं 1 week ने बिशिंग बनी मखांग ने डार्क रॉक कमेने ही डार्क स्पॉट्स रॉक कमें थाने ही ने ते यो प्रोडक्ट्स रोमान थको अमेज़न नाइका फ्लिपकार्ट ते हिमालयस वेबसाइट ओ हिंगे ना रो अपना 30% डिस्काउंट बमानी माने तीनी नो अमेज़न नो हावी नाइ चेक क्लिक करेंगे अपन फुल बाय खाएंगे तो उठे से सनस्क्रीन फुल पी ताम नहीं के और मुस्मी बैं या न फादर नौखना है सनस्क्रीन पे लाइक नांगो सो अपन फुल खाएंगे सनस्क्रीन फुल फुल बट हॉरर ने रॉक नाइट टाइम में फुल खाएंगे सनस्क्रीन फुल ना नांगे सो आंग ताब फादर नौखा छी नै के या मु कुथु ताम बोंग लेगा तो अभी मैं मार्केटिंग करने के लिए जा रही हूँ डॉन बॉस्को के बगल में। यहाँ पे हमारे त्रिपुरी का जो मेन वेजिटेबल्स हैं वो मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मैंने ख़रीदी लेटिस फिंगर जो मैं फ्राई करके खाऊंगी, और मैं दूसरे सब्जी वाले के पास ये ख़रीदने के लिए गई क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। मैं इसको चावल ग्राइंड करके खाऊंगी, अवंद्रू मेरी फेवरेट, और ये वाला मैं बेरमावती खाऊंगी थाई कोरिएंडर के साथ। तो बस यही था मेरा आज का वेजिटेबल्स का मार्केटिंग। शूट करते करते बेबी को इतनी नींद आ गई कि देखो अपने स्टफ टॉयज के ऊपर ही हंसते हंसते सो गई। स्टफ टॉयज किस किस को पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है हर लड़कियों की फेवरेट है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो। एम आई राइट गाइस? नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। काफी लोगों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करी है, लेकिन मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के टाइम पे वीडियो नहीं करी क्योंकि व्लॉग करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जो मिला है वही दिखा देती हूँ। ज्यादातर गिफ्ट स्टफ चॉइस ही है और कुछ ड्रेसेस भी है। तो ये पहला वाला गिफ्ट एक छोटू सा पेंगुइन है जो कि बहुत ही क्यूट है, और दूसरा है डिज्नी कार्टून का डक, आई थिंक इसका नाम है डेजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये है गोलू गोलू सा पैंडा, पता नहीं कौन सा कार्टून का कैरेक्टर्स है, और एक है बहुत ही क्यूट सा स्क्वायरल जो बिल्कुल भी स्क्वायरल जैसा नहीं दिख रहा था, इतना क्यूट। ये पता नहीं क्या है, डॉल्फिन है या फिर पेंगुइन है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। इतना सॉफ्ट है और काफी बड़ा भी है जो पीलू जैसा भी यूज कर सकता है, और ये है छोटा सा क्यूट सा रैबिट। और एक मजेदार वाला चीज दिखाती हूँ, पता नहीं कौन कौन लाया, ऐसा लग रहा है कि पूरा खानदान उठा के लाया। सब दिखने में सेम सेम लग रहा था, बस साइजेस और कलर्स पे डिफरेंट था। ये देख के ना मुझे हम साथ साथ वाला गाना याद आ गया। आपको क्या लगता है पीछे का टेडी को कैसे भूल सकती हूँ? ये देखो बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर का टेडी। बेबी को साथ में रख के ब्लॉक करना दिखने में तो बहुत ही इजी लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही टफ है। पीछे में और एक टेडी है जो लिखा हुआ है फॉर समवन स्पेशल। वेल, हमारा बेबी भी तो स्पेशल ही है ना गाइस। और एक टेडी बियर नीचे में छुपा हुआ है, और दूसरा इसका जुड़वा, पता नहीं बेबी कब खेलेगी ये सब।
और एक गिफ्ट है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन अभी के लिए ये बेबी का कुछ काम का नहीं है, लेकिन बाद में होगा। वेल, ऐसा वाला हिमालया का प्रोडक्ट का सेट और दो तीन था, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। वेल, अभी दिखा रही हूँ बहुत ही क्यूट सा बेबी का फ़ोटो। ये इसका 1 मंथ का फ़ोटोशूट था, मुझे अभी भी याद है, और इसको गिफ्ट किया चिरू ने। थैंक यू सो मच चिरू। और ये वाला भी बहुत ही क्यूट है, ये बेबी का बैप्टिज्म डे का फ़ोटोशूट था, तो ये हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल है। थैंक यू सो मच। छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, प्यारा सा गिफ्ट, थैंक यू। और ये सब है वाटर बॉटल, लेकिन अभी बेबी वाटर बॉटल से पानी पीना नहीं जानती, तो हम लोग ज़्यादातर चम्मच से ही पानी पिलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। और ये वाला है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, पता नहीं क्यों बेबी को टॉकिंग कैरेक्टर्स देखने से डर लगने लगता है, वो भी बिना टॉकिंग किए। टॉकिंग वाला बटन ऑन करने से तो और भी चिल्ला के रोने लगती है। तो अभी के लिए टॉकिंग कैरेक्टर्स इसका कोई काम का नहीं है, लेकिन बाद में जब बड़ी हो जाएगी तब खेलेगी। अभी आया गिफ्ट का दूसरा पार्ट, वो है ड्रेस का पार्ट। बहुत सारा ड्रेसेस गिफ्ट मिला है, पता नहीं कब पहनाऊंगी। बहुत सारा पार्टी का ड्रेसेस भी है और बहुत सारा घर पे भी पहन सकती है। ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्यूट सा है। और ये वाला भी बहुत ही क्यूट सा है, और इसका मैचिंग हेडबैंड भी है, पर मुझे लगता है बेबी के लिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, लेकिन बाद में पहना सकती हूँ जब बेबी बड़ी हो जाएगी। और दूसरा है बहुत ही क्यूट सा वाइट कलर का कॉटन का ड्रेस, और ये भी बहुत ही क्यूट है। और ये छोटू सा ऊपर में श्रग भी है, और ये इतना डिस्टर्बेंस था कि पूछो मत। सीरियसली गाइस, बेबी को लेकर शूट करना बहुत ही टफ टास्क है। और ये देखो टी शर्ट ड्रेस जो मुझे बहुत ही पसंद है, और दूसरा है पिंक कलर का ड्रेस, बहुत ही क्यूट सा है। और पता नहीं इसका ऊपर का कौन सा है, बाद में मुझे ढूंढना पड़ेगा। और ये देखो फिर से छोटू सा श्रक जो बहुत ही क्यूट है, पर पता नहीं इसका मैचिंग कौन सा है। तो अभी दिखा रही हूँ फोल स्लीव्स का टी शर्ट्स, और ये भी फोल स्लीव्स ही है, तो अभी के लिए तो ये फ़िलहाल कुछ काम का नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में बहुत काम आएगा, तो मैं डायरेक्टली विंटर में ही पहनाऊँगी। और ये सब कॉटन्स का है, बहुत ही अच्छा है, अभी के लिए तो फिलहाल परफेक्ट है। और ये छोटू सा सुपर क्यूट श्रग फिर से, और ये दूसरा वाला मेरी आंटी ने गिफ्ट की है। यार इतना सारा ड्रेसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये भी बहुत क्यूट सा येलो कलर का कॉटन का ड्रेस, और ये सबसे छोटा सा जैकेट मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट है। आप सबको कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ये है एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन का, बहुत ही प्यारा सा है। और ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रेस है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा क्यूट क्यूट सा प्लैनेट का स्टिकर लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही यूनिक दिख रहा है। आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये है बेबी के लिए छोटा सा ब्लैंकेट, और ये है वंसी विद बोनेट जो कि हम लोगों ने शूट पर भी पहनाई थी, और ये है फुल स्लीव श्रग जो इसका मैचिंग कौन सा है मुझे खुद नहीं पता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और ये है छोटा सा पजामा जो मुझे बहुत ही क्यूट लगा, एंड दिस इज़ ब्लैक ड्रेस जो काफ़ी क्यूट है। और ये है वाटरप्रूफ बेबी के लिए मैट, और ये वाला है बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा फेब्रिक से डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस जो ऊपर का हेडबैंड के साथ सेट है, बहुत ही प्यारा सा है। पर अफसोस बेबी को हेडबैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो खोल देता है बार बार। तो ये वाला है छोटू सा क्लिप, लेकिन बेबी का तो हेयर नहीं है तो बाद में लगाऊँगी। और ये है बेबी का छोटा सा फुटवेयर, और ये वाला बर्थडे के दिन में पहनाया, और ये भी गिफ्ट ही था। और ये वाला है सबसे ख़ास, बहुत ही प्यारा सा ईयरिंग्स बेबी के लिए जो बाई शर्मिली ने गिफ्ट की थी, स्टार एंड मून, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का बनाया हुआ। लेकिन अफसोस वो बर्थडे अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि उसका तबीयत बहुत ही ख़राब था। और ये दूसरा बहुत ही क्यूट सा फिंगर रिंग है, लेकिन बेबी के लिए थोड़ा सा बड़ा है, तो बाद में जब वो बड़ी हो जाएगी तब पहनेगी। और ये वाला लास्ट गिफ्ट है जो दास कांग एंड फैमिली ने दी थी, बहुत ही क्यूट सा स्टार का बनाया हुआ ईयरिंग्स कैरलिन का, बहुत ही क्यूट है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। लेकिन अफसोस ये है कि बेबी का अभी तक ईयर पियर्सिंग नहीं किया, तो जब करेगी तब पहनाऊंगी। और कुछ पैसे भी थे जो मैं दिखा नहीं सकती, तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बस इतना ही, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।